इस वीडियो में हमें एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे तीन पोस्टर क्रिएट करने वाले हैं, वो भी आदि पुरुष का। तो बेसिकली आज का जो मैं पोस्टर क्रिएट करने वाला हूँ उसके लिए मैंने टीजर के जितने भी शॉट्स थे सबके स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं और उनकी मदद से हम यहाँ पर पोस्टर्स क्रिएट करने वाले हैं, वो भी बहुत ही इनसेन ब्यूटीफुल और गजब का पोस्टर क्रिएट करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही अमेजिंग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। और राइट, यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, ओरिजिनल पिक्चर ये है ये, और इनकी मदद से हम यहाँ पर मैनिपुलेशन करने वाले हैं। एक्चुअली इसका भी इस्तेमाल हम सिर्फ यहाँ पर इनके टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करेंगे, सो इसलिए मैं इसका अच्छे से मास्किंग कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो आप, हमने इनका जो फोटो मैंने आपको दिखाया था उसका मैंने मास्किंग कर लिया है, पीछे बैकग्राउंड मैंने इंटरनेट की मदद से ले लिया है। अब सिंपल यहाँ पर इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से मास्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर सेट कर दिया, ओके। अब साइज जो है हम पोस्टर साइज बना लेंगे, ये साइज ठीक है। अब नीचे हमें वाटर बनाना है और यहाँ पर कुछ पहाड़ वगैरह का भी सीन लगाना है, इन्वर्ट कर दिया और सिंपल जो रास्ता है वहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एग्जैक्टली वहीं पे रख के और इजिली रिमूव कर देंगे। गजब, ऐसा लग रहा है जैसे मान लो बीच में पानी हो और दोनों बगल पेड़ वगैरह है, झाड़ी वगैरह। ऑल राइट, यहाँ पर हम जाएंगे डिस्प्लेसमेंट में और यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल 10 रखा है और इजिली हम यहाँ पर सिंपल उस वाटर रिपल डिस्प्लेसमेंट की मदद से इसको थोड़ा वाटर टाइप में बना देंगे। ऑल राइट, बन गए। ऑल राइट, ये रॉक मैंने लिया है इसको, क्योंकि इसके ऊपर ही हमें इन्हें प्लेस करना है, जैसा वो सच में पत्थर वहाँ पे रखा हुआ है। अब इसके ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाएंगे और इन्हें उस पत्थर के पीछे एडजस्ट मैंने जैसा कि कर दिया। और यहाँ पर कैमरा रॉ फिल्टर की मदद से पीछे के बैकग्राउंड को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना लेंगे। एक्सपोजर हम इसका थोड़ा कम करेंगे, कॉन्ट्रास्ट भी कम करेंगे, नहीं थोड़ा बढ़ा देंगे, हाइलाइट्स इसके कम करेंगे, शेडोज भी बढ़ाने की जरूरत है। ओके, बढ़िया। यहाँ पर हम ब्रश टूल की मदद से थोड़ा पत्थर के ऊपर शेडोज वगैरह बना देंगे, बढ़िया। वाटर के अंदर भी हमें थोड़ा शेडो बनाने की जरूरत है, क्योंकि भैया पत्थर है वहाँ पे और शेडो पत्थर का ना दिखे या फिर पत्थर के किनारों पर शेडो ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इजिली हम इनके सेचुरेशन को थोड़ा बढ़ा लेंगे, क्योंकि जंगल वाला फोटो है और जंगल भी हरा भरा है, तो यहाँ पर सेचुरेशन बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, टेक्स्ट हमने पीछे लगा दिया है, लेकिन पीछे रहेगा नहीं, टेक्स्ट हमेशा आगे रहता है। यहाँ पर हम ब्लैक थोड़ा थोड़ा शैडो दे देंगे। ऑलराइट, अब यहाँ से इसको हम सिंपल यूज करेंगे दोनों साइड के तरफ, इसे इधर लाएंगे। ऑलराइट, यहाँ ठीक है। एक्चुअली इस पहाड़ के ऊपर शैडो बनाना बेहद जरूरी है, तो वो इजिली मैं ब्लैक कलर की मदद से यहाँ पर शैडोज बना दे रहा हूँ। अब इसका एक थोड़ा क्लोन बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल वाला। यहाँ पे ठीक है, टेक्स्ट दोनों पहाड़ के बीच में, और यहाँ पर हम थोड़ा और नीचे इस तरीके का शैडो बना देंगे कि सच में लगे कि वो उसके ऊपर रखा हुआ है। टेक्स्ट के ऊपर जो हम शैडो दे रहे हैं वो ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम थोड़ा कम ही रखते हैं। टी सीरीज़ का लोगो ज़रूरी है, क्योंकि फिल्म का सारा बजट खर्चा इसी कंपनी ने अपने ऊपर उठाया है, और भी होंगे लेकिन मुझे पता नहीं, मेन तो यही है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स ये थोड़ा अमेजिंग बनाएंगे इस पिक्चर को। इसका हम सिंपल इस्तेमाल करेंगे इसको पीछे, और इसे थोड़ा और ब्रश टूल की मदद से इसे थोड़ा इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे, मतलब उतना नहीं दिखना चाहिए जितना ये दिख रहा है। और राइट, इस पोस्टर को मैंने तो आपको बहुत ही कम समय में निपटा दिया, लेकिन इस पोस्टर को बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक ऑफ दिस पोस्टर। मैंने बनाया है बहुत अमेजिंग तरीके से। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम जंप कर चुके हैं हमारे दूसरे पोस्टर को क्रिएट करने के लिए, और ये हम थोड़ा रोमांटिक सा बनाएंगे, क्योंकि युद्ध वाला ये पूरा फिल्म होने वाला है, इसमें पूरा वायलेंस होगा, तो इसका भी हम थोड़ा ख्याल रखेंगे, इन लोगों का भी, मतलब रोमांटिक सीन वाला भी एक पोस्टर होना चाहिए। तो उसे हम यहाँ पर सिंपल क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए हमने जितने भी स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितने भी पिक्चर्स हैं सबको एक जगह एडजस्ट कर लिया। अब इसके बाद सिंपल हम यहाँ पे फोटो को मास्क करके सिंपल और अच्छे तरीके से थोड़ा
थोड़ा थोड़ा साफ करूंगा। अरे लोगों ने तो इतनी तबाही मचा दी है कि यार लग नहीं रही है कि फिल्म चलेगी। चूंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी जिसमें इस फिल्म को लेकर बहुत ही गलत तरीके से बोला गया कि ये है वो है, बहुत सारी बातें बताई गई। यहाँ पर हमने खेत को और थोड़ा नीचे ला दिया, ठीक है। देखो अब मेरे पास दिक्कत क्या है कि मेरे पास तो कोई HD फोटो इनके अवेलेबल है नहीं कि मैं इनका सिर्फ एक कैरेक्टर का फोटो लाऊं और अच्छे तरीके से उसे करूं। फोटो जो है थोड़ी बहुत ब्लर है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो क्वालिटी थोड़ी डाउन हो चुकी है, आप समझ सकते हो। तो इसलिए इस सिचुएशन में होते हुए भी मैं एक अच्छा पोस्टर क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, और उसके लिए चाहे मुझे फोटो को छोटा करना पड़े, एक ही पोस्टर को बनाने के लिए 4-5 फोटोज लगाने पड़े, वो मैं लगा रहा हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पर इसके सैचुरेशंस को थोड़ा बढ़ा देंगे, स्टेबल कर देंगे, ताकि पोस्टर जो है थोड़ा लगे कि हाँ दम है कुछ पोस्टर में, ऐसा लगना चाहिए। टेक्स्ट को भी थोड़ा हम ब्राइटर कर देंगे। अब इस टेक्स्ट के पीछे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये आप चीज देखो, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लाता हूँ। देखो इसका मैं अगले वाले पोस्टर में भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूंगा। ये चीज जो है ना, ये थोड़ा फोकस डालती है टेक्स्ट के ऊपर कि ये टेक्स्ट को डिपिक्ट करेगी। अब सिंपल इसके हमने एक मास्क बना लिया है, और इसके बाद ब्रश टूल की मदद से सिंपल जो हमें कैरेक्टर अच्छे से दिखाने हैं वहां पर हम क्लियर अच्छे तरीके से फ्लो इसका कम ही रख के इसे रिमूव कर दे रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये आप देखो पोस्टर को। स्क्रीन शॉट से ये पोस्टर बनाया, और इतना हेवी पोस्टर बनाने के लिए लाइक कर दो वीडियो को। यहाँ पे हम तीसरा पोस्टर क्रिएट करने के लिए आतुर हो चुके हैं। अब बेसिकली हमने जो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं सबको हम यहाँ पर ला दिए हैं। ओके, कम से कम हमने 72 से 73 फोटोज, लगभग इतनी फोटोज हमने क्लिक करी हैं। स्क्रीनशॉट कट 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 कट। अब यहाँ पर बेसिकली हम करने क्या वाले हैं इस फोटो के साथ कि इन तीनों को सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब एक बार ये थोड़ा नीचे देख रहे हैं, फिर बीच में ऊपर, फिर थोड़ा और ऊपर। मेरे कहने का मतलब है कि ये रावण का सर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल हमने सिलेक्शन बना लिया है, जस्ट लाइक आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तीनों को हमने सीक्वेंस वाइज में अब सिंपली कन्वर्ट कर देना है। थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए, दिक्कत कोई बात नहीं है, मतलब बैकग्राउंड चाहिए तो इसके लिए सिंपल क्रॉप टूल। ओके, अब इसके सैचुरेशंस को थोड़ा बढ़ा देंगे, और लाइटनेस को भी थोड़ा, लाइटनेस कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जस्ट हिट ओके। अब इसे सिंपल ले जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। थोड़ा आउटर लाइन बचा हुआ है तो उसे भी हम सिंपल इरेजर टूल की मदद से सिंपल रिमूव कर देंगे। ऑलराइट, इसे थोड़ा छोटा कर देंगे, और इसका एक क्लोन बनाने की जरूरत है, मतलब इसका एक डुप्लीकेट। ऑलराइट, बन चुका है। Ctrl+T एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ओके, अब इसे साइड में ला देंगे। ऑलराइट, तो ये कैरेक्टर, मतलब ये जो चीज है, इनको हम बीच में लाकर रख देंगे। अब रॉक को लगाना जरूरी है, रॉक वाले ही सीन्स यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं। इसके सैचुरेशंस को थोड़ा एडजस्ट कर देंगे, इस लाइक की मतलब लगे कि स्नोफॉल में ये पत्थर रखा हुआ है। ओके, इतना समझ में आना चाहिए, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पोस्टर बहुत ही इनसीन बन रही है। मतलब जो भी बन रही है बहुत अमेजिंग लग रही है, कोई भी पोस्टर में बहुत ही गजब की फीलिंग आ रही है जब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पीछे के हेड सर जितने भी हैं, सिंपल उसको हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे, और जो भी हम चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी PNGs, उसको हम थोड़ा मास्किंग करके और ब्रश टूल की मदद से इरेज कर देंगे, ताकि चेहरा पीछे वाला एग्जैक्टली तो नहीं दिखाई दे बट दिखाई दे। पेड़ को साइड में लगाएंगे, और इधर भी 2-4 स्नो वाले चीजें हैं तो उसे भी हम सिंपल यहाँ पर लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ओके, अब इनके चेहरे को थोड़ा स्मूथ कर लेंगे, हालांकि जरूरत नहीं है बट करना पड़ेगा, कर लेंगे, दिक्कत क्या है। ऑलराइट, ये जो रॉक है, ये रॉक पूरा रॉक दिख रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर हम स्नो का थोड़ा क्लिपिंग मास्क कर लिया है, और सिंपल ब्लेंडिफ करके, पहाड़ तो है बट बर्फीला जगह का पहाड़ है जिसके ऊपर बर्फ गिरी हुई है, ऐसा दिखना चाहिए। ऑलराइट, ये आदि पुरुष का। ऑलराइट, यहाँ पर टेक्स्ट हमने ला दिया है। यहाँ पर हमको मुकुट लगाना बेहद जरूरी है, यार इनका मुकुट नहीं होगा ना तो यार मुझे मजा नहीं आ रहा है। यार कैसा रावण इन लोगों ने बना दिया, ना मुकुट ना कुछ। यार रावण के पास अपना खुद का क्राउन था, हेलमेट था,
हेलमेट नहीं, मतलब इसका क्राउन था जो बहुत ही एपिक था। अब मैं उस वक्त में नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि बस मुझे पता है था, और यहाँ पर भी वो चाहिए, एपिक लगनी चाहिए, इसलिए मैं इसको इस तरीके से मुकुट को बनाऊंगा कि लगेगा कि सच में ये पहने हुए हैं। इसमें थोड़ी भी दिक्कत नहीं है। देखो, कलर ग्रेडिंग भी हमने उसी तरीके की है जो चेहरा और रंग रूप इनका है। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम थोड़ा शैडो बनाएंगे अंदर, ब्लैक वाला शैडो, नहीं तो लग रहा है जैसे उठाकर चिपका दिया है क्राउन को इनके सर पे, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऑलराइट, टेक्स्ट यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे हम ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके थोड़ा आदि पुरुष को और हाईलाइट करेंगे। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। इनके नाम को सिंपल यहाँ पर हम टाइप कर दे रहे हैं, सैफअली खान एज रावण। अब यहाँ से हम भगवान राम को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वहाँ पे, तो आदि पुरुष भी इस पोस्टर में होना चाहिए ना, सिर्फ रावण से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर भगवान राम को कहीं ना कहीं आपको दिखाना पड़ेगा। रोटेट इतना जबरदस्त तरीके से किया है, बहुत मजा आ रहा है देखने के बाद। ऑलराइट, साइड में अब इस पहाड़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा अच्छे तरीके से शैडोज बना लेंगे। ऑलराइट, ये बहुत बढ़िया है, ये ऐसा लग रहा है कि सच में वो वहीं के पहाड़ का टुकड़ा है, और शैडो बना दूंगा तो और रियलिस्टिक लगेगा। अब यहाँ पर हम सिंपल इनके मुकुट को थोड़ा पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। ऐसा मुकुट लगना चाहिए कि हाँ, सर थोड़ा ऊपर उठाए हुए हैं तो मुकुट भी थोड़ा पीछे जाना चाहिए। ये जो पहाड़ है इसके ऊपर सोडा सोडा छोटा छोटा शैडोज बना देंगे डिटेल के लिए, अच्छी लगेगी। One eternity later. तो आप देख सकते हो क्या गजब का ये पोस्टर बना हुआ है यार, मैं सच कह रहा था अंत भला तो सब भला। तो ये बहुत ही शानदार बना, और आप स्क्रीन पर देख सकते हो क्या गजब का रिजल्ट आया है। ये है पहला, ये है दूसरा, और ये है तीसरा हमारा आर्टवर्क, आप देख सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारी वीडियोस को लाइक किया कीजिए यार, इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, 3 दिन 4 दिन एक वीडियोस में हमारी लग जा रही हैं। वैसे कुछ कुछ लोग तो महीना भर का समय लेते हैं, लेकिन वीडियोस भी तो मेरी उस लाइक नहीं होनी चाहिए। वीडियोस मेरी छोटी होती हैं तो 4 दिन 5 दिन डिजर्व करता हूं एक वीडियो को बनाने के लिए। तो क्या आप एक लाइक का बटन नहीं दबा सकते जिसमें 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है? मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बस आपको इंस्पायर कर रहा हूं कि लाइक का बटन वीडियो शुरू होने से पहले ही दबा दिया कीजिए, क्योंकि हमें उससे भारी भारी मोटिवेशन मिलता है। प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो तिकड़मबाजी कर रहे हैं, वैसी तिकड़मबाजी अभी हिंदी में कोई नहीं कर पा रहा है YouTube के अंदर इस तरीके के फोटोशॉप के ऊपर। और अगर कोई कर रहा है तो कमेंट में बता दीजिए, हम उनसे थोड़ा मिलना चाहते हैं, पर्सनली नहीं बट उनकी भी वीडियोस को हम देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे क्रिएटर्स मुझे और मिले, मैं उनकी वीडियोस देखकर इंस्पायर हूं, ज्यादा बोल रहा हूं। आप प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, एडिट योर फोटोज के ब्रांड न्यू एपिसोड की तैयारी हो रही है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका फोटो उसमें शामिल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक नहीं दिया हुआ है, एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पे आप इजीली अपने फोटो सेंड कर सकते हो और 2-4 बातें अपनी बता सकते हो जिसे हम बोल देंगे वीडियोस के दौरान, रट देंगे, पढ़ देंगे। ऑलराइट, तो ये सारा कार्यक्रम यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज गुड बाय, नहीं आज होगा जय श्री राम।